हम सबके पास पेजर्स होते थे। अगर आज के तारीख में आप सोचो पेजर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपके सारे के सारे पैसे उड़ गए होते, राइट। और उस समय हुआ भी था, मुझे याद है कोई हचिसन ऐसी कोई कंपनी थी जिन्होंने ये पेजर सर्विस शुरू की थी। नोकिया इज एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है, राइट। किसी समय की सबसे बड़ी कंपनी और आज के तारीख में वो कंपनी का निवाला पिट गया है। सो हाउ डू यू इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव स्केलेबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस। अगेन 96 के आसपास ही आप देखेंगे काफ़ी बैंक्स शुरू हुए थे। यहाँ पर सबसे फेमस बैंक था, जहाँ मुझे याद है मैंने जाके अपना अकाउंट खोला था, वो था बैंक ऑफ पंजाब, राइट। अमृतसर में बेस्ड थे वो, चंडीगढ़ में उनका बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ करता था, राइट। सेंचुरियन बैंक था, टाइम्स बैंक था, उसी समय HDFC बैंक भी खुला था, UTI बैंक भी खुला था। आज के तारीख में ऐसा क्यों है कि एक HDFC बैंक निकला है वहाँ से और काफ़ी सारे लोग ठप पड़ गए या एक्वायर हो गए, राइट। क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था या जो टीम थी वो टीम से बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। एंड दैट इज वॉट हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं ये देखने में कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज ऑफ अ टीम। फाइनली जो हमारा एक बड़ा विचित्र और यूनिक वैल्यूएशन मॉडल है जिनको आपको ट्रेडमार्क किया है हमने, उसको कहते हैं ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर आप समझ लीजिए 17 सेक्टर पे ही आप जाके एक शोरूम खोलते हैं, राइट। एक शोरूम की कीमत होती है, बट वहाँ पे ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जो पिछले 15-20 साल से चल रहे हैं। अगर आप उस बिजनेस को खरीदना चाहेंगे तो आप उस शोरूम की जो इमारत है उसकी कीमत देंगे या बिजनेस की कीमत देंगे, राइट। जो बिजनेस की कीमत है वो कंटिन्यूस टू ग्रो, बट शोरूम की कीमत होती है ना वो 5% 7% उस हिसाब के रेट से होती है। तो अगर आपको वो जो उस दुकान को खरीदना है तो उस दुकान को आप दो हिस्से में लगा लो, एक होता है इमारत की कीमत और दूसरे होती है बिजनेस की कीमत। और जो बिजनेस की कीमत है वो हमेशा बढ़ती है, इमारत की कीमत कभी घट भी जाती है, राइट। सो दैट्स वाई हम जब बिजनेसेस को वैल्यू करते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं, दो हिस्से में बांटते हैं उसको, बिजनेस को और कैपिटल को। और कैपिटल की कोई कीमत नहीं देते हम, सारी कीमत देते हैं हम कितनी बिजनेस की। इसीलिए आप देखें कंपनीज लाइक नेस्ले, ब्रिटानिया, राइट, ITC, मेनी ऑफ दीज कंपनीज जो है उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज बनाई हुई है कि वो जनरेशन पे जनरेशन चलती रहती, पीढ़ी जनरेशन उनके होते हैं उनके, बट जो कुछ और कंपनीज हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती है। तो यही हमारा ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क है जिसमें हम ऑपरेशन साइड को वैल्यू करते हैं बट बिजनेस उसके कैपिटल साइड को नहीं वैल्यू करते। सिमिलरली हमारा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो है ऐसा, क्योंकि आज आपने सुना का काफ़ी लोग कहते हैं हम ग्रोथ वाले हैं या वैल्यू वाले हैं या हम उन कंपनीज में करते हैं जिनका सर्टन रिटर्न आ रहा है। हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं वो एक बड़ा बैलेंस बनाते हैं, उसमें सिक्लिकल्स भी होंगे और काउंटर सिक्लिकल्स भी होंगे। तो डिफेंसिव्स और ग्रोथ दोनों के दोनों अपने पोर्टफोलियो में होते हैं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो मानना है कि कभी मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते हो। ये जो लोग आके और मैं भी देता हूँ काफ़ी इंटरव्यू में बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमने पैसे निकाल लिए मार्केट से, आज हमने पैसे डाल दिए मार्केट में, मार्केट टाइमिंग वो कहते ना बाय लो सेल हाई। बट मैं भी जानना चाहूँगा अगर उतना ही अगर आपको पता था तो आप तो मल्टी बिलियनर होना चाहते हो ना। अगर आप ये टाइम कर पाओ मार्केट को बाय लो सेल हाई तो बहुत ईजी है बोलना, बट वो लो क्या है और हाई क्या है वो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, मेरे हिसाब से इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, राइट। इसीलिए हम एक ये बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं, मार्केट टाइमिंग नहीं करते हैं। जो हमारा फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो भी है इट विल इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस बोथ सिक्लिकल एंड काउंटर सिक्लिकल्स, राइट। और कुछ लिमिट्स रखे हुए हैं जो रिस्क मिटिगेशन में होती है हमारी। सो इंट्रोड्यूसिंग वाइटो कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड। ये देखिए आप सेक्टर लीडरशिप, राइट। और ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि किसी अगर आप 2020 में देखिए फार्मा कंपनी ऑन टॉप थी, उस साल क्या था, पैंडेमिक हुआ था। अगले साल देखिए आप फार्मा कंपनी नीचे से तीसरे नंबर पे। प्राइवेट बैंक्स देखिए आप 2019 में टॉप पे था सेक्टर, 2020 और 21 में देखिए कहां पर पहुंचा हुआ है। मेटल्स अगर आप देखें 2019 में राइट सबसे नीचे था और 2021 में सबसे ऊपर था। तो कहना ये है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट सेक्टर लीडरशिप। लोग जो कहते हैं कि एक बार डाल दिया पैसा वहीं पे छोड़ दीजिए उसको वो करके, उस मायने पे
इस तरह की जो ऊपर नीचे आपको दिखेंगे सेक्टर वाइज, और सेक्टर वाइज ही नहीं, ये भी देखिए आप स्टाइल्स जो होते हैं, ग्रोथ स्टाइल, मोमेंटम स्टाइल, वैल्यू स्टाइल, अगर ये देखें जैसे इसमें देखिए वैल्यू 2021 में नंबर दो पे था, 18, 19, 20 में सबसे नीचे था। इसी तरह से आप इवन मार्केट कैप देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप देखिए कि 2018-19 में लार्ज कैप अच्छा कर रहा था, 20-21 में मिड कैप अच्छा कर रहा है। अगर 22 में देखिए पहले 6 महीने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तो अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है, राइट। तो ये जो ऊपर नीचे है मार्केट में, चाहे वो आपके सेक्टर्स हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे मार्केट कैप हो, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। ये तो वही हो गया जैसे विराट कोहली का जो कॉइन टॉस के बारे में बोलते थे ना, कि विराट कोहली जिस एक्यूरेसी से कॉइन टॉस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग भी उसी एक्यूरेसी से कर सकते हैं, क्योंकि हेड या टेल कभी ना कभी हेड होगा, कभी ना कभी टेल होगा, राइट। सो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट ऑल दीज फैक्टर्स इन द मार्केट। हाउएवर व्हाट यू कैन डू इज इन सब चीजों में अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, राइट। सो इट इज बेटर टू बाय अ गुड क्वालिटी स्टॉक इन नॉट सो ग्रेट क्वालिटी सेक्टर रादर देन ट्राइंग टू बाय अ बैड स्टॉक इन अ ग्रेट सेक्टर, राइट। इट विल ऑलवेज बी अ मच मच बेटर आउटकम फॉर एनीबडी। दूसरा, हमने ये जरूर देखा है इंडिया में जो स्मॉल और मिड कैप है उनमें बहुत अलग टाइप के विचित्र नीश बिजनेस सेगमेंट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपको इंडिया में जैसे टेक्सटाइल्स का काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बट टेक्सटाइल के जो मार्केट लीडर्स हैं वो एक्चुअली सारे स्मॉल और मिड कैप के साइड पे है। सिमिलरली आप केमिकल स्पेस में देखें, यू विल फाइंड टॉप नॉच केमिकल कंपनीज जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो एक्चुअली स्मॉल और मिड कैप है, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ दीज नीच सेक्टर्स, वो स्मॉल और मिड कैप से होता नहीं है। और हमने हमेशा देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है टू बाई नीच बिजनेसेस जो डाइवर्सिफाइड है, इंस्टीट्यूशनल कवरेज भी होती है इनकी और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी नहीं होती है। सो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ अंडर वैल्यूएशन और हायर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल एंड मिड कैप में मिलती है, राइट। इसीलिए एक जब फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, राइट, उनमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का अच्छा मिश्रण होता है। तो इससे इन्वेस्टर्स को क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज कैप मिलती है बट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप मिलता है। तो एक ही फंड में तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है, राइट। हमारा जो स्टाइल है, हम यूनिवर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है उसकी एनालिसिस करके ये सेक्टोरल वेट्स जो होते हैं या मार्केट कैप टिल्ट इज ऑल प्रोसेस ऑफ आर स्टॉक रिसर्च। हम ये नहीं कहते कि इतना लार्ज में होना चाहिए, इतना मिड होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे हमको, हम उस तरफ से स्टॉक्स लेते हैं। टिपिकली हमारे जो मल्टी कैप, हमारे जो फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो हमने चलाया है उसमें 50-60% लार्ज कैप में रहता है, 20-30% के बीच में मिड कैप में रहता है और 10-20% के बीच स्मॉल कैप रहता है, राइट। दैट इज द वे हमारा फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। सो वाई टॉप फ्लेक्सी कैप फंड, नो मार्केट कैप बायस, कोई सेक्टोरल भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बायस है, बैलेंस पोर्टफोलियो है अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपनीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस नो सेक्टर बायस, स्टाइल बायस, देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन दिस पोर्टफोलियो। सो फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न परस्पेक्टिव इट बिकम्स एन आइडियल व्हीकल, राइट। हेंस टू रियली सम इट अप, ऑल्दो मैंने आप लोगों को मार्केट के बारे में अपनी कोई व्यूज नहीं दी क्योंकि मैंने कहा मार्केट के व्यू के बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं करते, बट हमारा कहना यह है आज की तारीख में अगर आप देखें 15 साल के बाद ऐसी मार्केट मिल रही है जहां अर्निंग्स का रिवाइवल दिखाई दे रहा है हमें, राइट। अभी TCS के रिजल्ट फ्राइडे को आए थे और भी अब रिजल्ट आने वाले क्वार्टरली, जो भी रुझान दिखाई दे रहे हैं हमको इस समय एक बहुत पॉजिटिव मार्केट के रुझान दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ये 2007 में देखा था और 2022 में दिखाई दे रहा है इसके बाद कि डबल डिजिट टाइप के अर्निंग्स रिवाइवल हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस, कि ये रशिया का यूक्रेन वॉर कब खत्म होगा या फेड रेट का इंटरेस्ट रेट साइकिल कब खत्म होगा, कितनी मंदी आने वाली है वहां पे, ये सब प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल फैक्टर है, डिफिकल्ट नहीं इम्पॉसिबल फैक्टर है, राइट। मार्केट कैप रोटेट होता है, स्टाइल बायसेस रोटेट होती हैं, सेक्टोरल लीडरशिप्स रोटेट होती है, राइट। एक आप अपना फंड उसी तरह से बना सकते हैं जिसमें आपकी यू नो मिक्सचर हो ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल,
मिड एंड स्मॉल में हमेशा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, अंडर रिसर्च्ड है। इसीलिए जो हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा अक्रॉस ऑल दीज मार्केट कैप्स, राइट। कल से खुल रहा है NFO, जुलाई 26 तक है। एग्जिट लोड जो है वो केवल एक महीने का रखा है हमने। हम हमेशा बिलीव करते हैं इन्वेस्टर्स को ऑप्शन होनी चाहिए, जितना टाइम जितने अंदर आ सके, जब यू नो अंदर बाहर जब जा रहे हैं हमको जा सके। हम जानते हैं और हमने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी फंड परफॉर्मेंस का अपनी PMS और AIF साइड में, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने पोर्टफोलियोज मैनेज करने का। मिनिमम अमाउंट 500 रुपये की है, राइट। SIP स्ट्रक्चर्स हैं, STP स्ट्रक्चर्स हैं, सारे वो स्ट्रक्चर्स हमने अपने फंड में, नए फंड में ही वो किया हुआ है। ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, वेबसाइट के थ्रू लोग आ सकते हैं, BSE Star प्लेटफॉर्म के थ्रू आ सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा हमने एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर को हमने पैनल किया अक्रॉस द कंट्री, तो उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं इन्वेस्ट, राइट। सो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। रमेश मंत्री जी हमारे CIO हैं, वही फंड मैनेजर भी हैं इसके, राइट। और हम जैसे कहते हैं, हमारा लोगो है वाइटो कैपिटल का, द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग। आज तक लोग जो कहते हैं ना कि जो इन्वेस्टिंग है वो एक आर्ट है या विज्ञान है, राइट, कला या विज्ञान, हम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में कला और विज्ञान का दोनों एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। और जो कला है उससे हम इमोशनल बायसेस निकालते हैं, विज्ञान है जो हमने प्रोसेसेस जो हमने डाल रखी है, जो आपको 4 P फ्रेमवर्क दिखाया मैंने, वो हमारी विज्ञान है। और कला यही है कि जो मिश्रण जिस तरह से हम करेंगे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना लेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। ये हमारी 3 कन्याएं हैं जो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप है, तो हमने दिखाया है। देखिए एक बैले, इसका इसके पीछे भी एक कहानी है। बैले देखिए बड़ा अच्छा लगता है देखने में, राइट, डांस एज अ फॉर्म। आपको कोई भी पूछेगा आप कहेंगे बैले एक आर्ट है, राइट। और हम कहते हैं कि बैले में भी साइंस है, जिस तरह से आप उसको बैलेंस करती हैं, राइट, उसमें एक साइंस होता है। एक हमने बड़ा अच्छा एड दूसरा एक और निकाला था पिछले हफ्ते, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, जो उस स्विंग बॉलिंग के बारे में, राइट। आप वो बॉल देखे, स्विंग बॉलिंग, आप कहेंगे स्विंग बॉलिंग एक कला है, राइट। बट अगर आपको याद होगा जब कपिल देव वो करते थे बॉलिंग, तो एक तरफ से उसको घिसते थे, राइट, और एक तरफ शाइनिंग होता था। तो स्विंग बॉलिंग में भी एक मिश्रण है कला और साइंस का। वो साइंस वही थी कि एक तरफ से आपको उसको वो करना पड़ेगा, यू नो, रफ करना पड़ेगा, तब आपकी बॉल स्विंग होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आर्ट है, और उसकी जो बैलेंसिंग हम करेंगे वो साइंस होगा। तो उस तरह से हमारा ये फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब आए यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। यू नो, मैंने जैसे कहा यहाँ आने से अपना पुराने दिन, बीते दिन याद आते हैं। बट कुछ भी और क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ पूछेगा, और यू नो वेरी हैप्पी टू आंसर। हाँ जी सर, बोलिए। सर, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल, कैन नॉट गारंटी रिटर्न्स, राइट। दैट इज अ सेमी डायरेक्टिव, दैट नो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी गारंटीड। आई कैन टेल यू, बल्कि टुडे मॉर्निंग ओनली व्हेन वी वर इनॉग्रेटिंग आवर ऑफिस, आई हैड सम ऑफ द एडवाइजर्स हु हैड कम इन आउट हियर। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इन पंजाब इटसेल्फ, there were many companies who came here and promised you 20, 25, 30% returns also at points of time, but that guarantee is not worth anything, right, because there were a lot of Ponzi schemes which had been launched over periods of time, right. So it is very, very clear, as far as mutual fund, which is a collective investment vehicle, you cannot provide any form of guarantees. This invests into equity markets, and market are subject of market. I mean, there is a market risk which is there because your stocks keep going up and down. What does happen is when you invest for a longer period of time. So I'll show you what some of my funds have done over the last few years. I don't have that data out here, sorry. But
we've typically, what we believe is that so what I'll tell you what we believe is that if your typical GDP, nominal GDP, has grown, so your inflation plus GDP growth rate has over the last 30 years, if you see, has done about 12% returns in India. The market, if you look at Sensex is actually giving you about 12% returns over 30-year period now, and 12% annualized return. If you have a good fund manager, he should be able to add some alpha or outperformance to the benchmark. So typically your diversified equity funds, if you look at some good funds which have been there for 25, 30 years, have given about 15% type of returns over a very long period of time, right? So that is the guidance which one should think about, but there is no guarantees for any of these things. As far as the market is concerned, as I said, the market of course has been through its own ups and downs. Last 2 years were really great years. Last 6 months have been extremely volatile for the market, where you see red on all your portfolios in the last 6 months. And I also mentioned, it is impossible to time the market. It is impossible to say, agle mahine market mein kya hone wala, because there are events which drive the market. But over a longer period, right, there are three things which drive market. There's the general economic cycle, there is corporate earnings, and then there is liquidity. Right? These are the three things which drive markets over a long period of time. If you look at it, the overall corporate earnings in India are looking very good. GDP is actually better than what it was the previous years. Liquidity is still a concern. Abhi bhi, there is a lot of foreign outflows which are happening, but domestic inflows have been balancing that space. So is this a great time for an NFO? There is no great or not so great time. But after having markets corrected 15-20%, and if the other factors are looking good, we definitely are very positive and constructive as we see the markets today. Yes, sir. So definitely market is very volatile right now. It's not a good time to invest for sure, sir has said. I'm saying it's a very good time to invest. No, it is not. Actually, I mean, we've been into a crunch of finances. Everybody is. So my question is, like you've already stated that every year you showed us a grid actually wherein you defined the market sometimes auto industry is up, sometimes pharma is up, so that chart you showed. So my question is that for first year, we should invest with you, maybe a smaller scale or the larger or the elite one or the third one. You've shown three kind of investments you can also manage. So where should we, for each year we should change our domain. But that is the job of a fund manager. That's what I'm saying. That is it like going to be like that only because of the reason that you invest somehow some money with you, a stipulated amount of money, and then after a year you should change the field or the area. No, sir. My fund invests across all these sectors, right? So agar once you are in my fund, I take those calls. Ki ye saal, am I investing a lot more in a certain area, certain sector, certain market cap, certain style? So these are calls which of job. Agar if I'm running a flexi cap fund, these are some of the things which I do in the portfolio at within a mutual fund. You'll set the tenure. You'll set the tenure with you. Sir, this is an open-ended fund. Agar aap 3 mahine rakhna chahiye, 3 saal ya 30 saal, right? The fund is open at all points of time. And there is exit load only for 1 month. After 1 month, you can take your money without any loans. It's respect also. Yes. लोगों को नुकसान हुआ, कंपनी बड़ी बेईमानी हुई, लिसन टू मी, कंपनी की एक्सिस बैंक की बड़ी बेईमानी हुई, उस फंड मैनेजर ने ऐसी कंपनी को शेयर ले लिया, लोगों को नुकसान हुआ, एनएवी कम हो गई,
But SEBI ने लिया एक्शन के अगेंस्ट, ही वाज पेनलाइज्ड, देन आई डोंट व्हाट हैपेंड. सो अगर आपने फ्लेक्सी का मतलब यह क्या हुआ, फंड मैनेजर आपने डिसाइड करा है कि स्मार्ट कंपनी ने कौन मिडिल प्लेयर बना के कहा लेना है, तो अगर ऐसी कंपनी का ले लेते हैं इसकी वर्थ है ही नहीं एक्चुअल, वो महंगे में ले लेते हैं उनको बेनिफिट चाहने के लिए आपने बेनिफिट ले लिए, उसके तौर पर क्या होगा. हर कंपनी के अपने इंटरनल प्रोसेस होते हैं. एक चीज आपको बताऊंगा, देखिए हर ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मेरे को ये बताइए कि यहीं पे कितनी प्लांटेशन कंपनीज आई थी राइट, और कितनी कंपनीज आई थी जिन्होंने अलग अलग स्कीमें चलाई थी, तो कोई उनकी गारंटी को आप गारंटी मानते हैं क्या. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है, और हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऊपर नीचे नहीं हो सकता राइट. ब्लैक शीप हर जगह होते हैं जो वो कर, अब कंपनीज के अपने प्रोसेस होते हैं, सेबी जो होता है वो टाइटन अप करता है राइट. जब भी ऐसे कोई कुछ वो होता है तो उसमें अपने इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, वो लोग अपनी टाइटन अप करते हैं. एक चीज आपको और सुनाऊंगा कि इस जो ये जो कांड हुआ था इसमें कोई किसी इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हुआ है, ये जरूर हुआ है कि एनएवी कम होगी, एनएवी तो पूरी मार्केट, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो एनएवी तो कम होगी, उसमें इसका कोई लेना देने नहीं. सर एनएवी कम तो मार्केट के मूवमेंट पे होती है, एनएवी कम इसके कारण नहीं होता. देखिए उसमें क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से इसमें क्या होती है काफी अफवाहें फैलती हैं. एक्चुअल में ये हुआ है कि एक जो फंड है मैंने आपको बताया वो लार्ज कैप खरीदता है, स्मॉल कैप खरीदता है, मिड कैप कंपनीज खरीदता है. जब काफी खरीदी आती है तो शेयर का दाम बढ़ता है, तो ये फंड मैनेजर जो थे जिनके अगेंस्ट एलिगेशन, बाय द वे उन्होंने वापस एक्सिस कंपनी के अगेंस्ट एक सू किया है कि उनके उनको गलत तरीके से निकाला गया, तो अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता. बट जो रियलिटी है, अगर जो छोटी कंपनीज होती है स्मॉलर मिड कैप में, अगर कोई फंड मैनेजर जो फंड में खरीद रहा है वो अपने पर्सनल अकाउंट में भी खरीद ले राइट, तो उसका अपने उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका फायदा हो जाता है क्योंकि वो उसने शेयर्स अपने अकाउंट में खरीद लिए. इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं राइट. अभी इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आपको याद होगा तो बड़ी सी बड़ी कंपनीज अमेरिका में भी हुआ है और अलग स्केल पे हुआ है. हाँ, वो मैं आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक एक्सिस में हुआ है, ये बहुत जगह हुआ है, गोल्डमैन में हुआ है, मैकिन्सी के सबसे बड़े जो उनके ग्लोबल सीईओ थे उनको 4 साल का जेल हुआ था इस चक्कर में राइट. सो ये जो प्रॉब्लम है ये हर जगह है, हर मार्केट्स में होती है. आपके म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में देखिए म्यूचुअल फंड तो नया है, म्यूचुअल फंड इज न्यू, दिस इज हमने वी वर मैनेजिंग मनी इन पीएमएस एंड एआईएफ फॉर्मेट. अब वो पीएमएस और एआईएफ में क्या रिटर्न है वो मैं आपको अलग से दिखा सकता हूँ राइट. बट जो म्यूचुअल फंड है, मैं तो आपको कहा है कि ये वाइटो कैपिटल का फर्स्ट इक्विटी फंड लॉन्च हो रहा है मार्केट में राइट. सो इट इज, और हमारे जो पीएमएस ने पिछले जो हमारा 4 साल का जो 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 3.5 साल में हमने 18% एनुअलाइज रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को. बट वो अलग व्हीकल है, पीएमएस इज अ डिफरेंट व्हीकल फ्रॉम म्यूचुअल फंड ईआईएफ. अगर हम आप हमारा वो देखें इंटरनेशनल जो फंड है, जो इंडिया फंड है, उसने करीब 25% की रिटर्न दी है पिछले 7 साल में राइट. सो ऑल दीज फंड आर देयर बट दे आर डिफरेंट व्हीकल्स. म्यूचुअल फंड पहली बार लॉन्च हो रहा है इसका. यस बैंक ने केवल 3 डेट फंड लॉन्च किए थे, उनकी कोई इक्विटी फंड था ही नहीं, उन्होंने इक्विटी फंड कोई नहीं था, हाँ लिक्विड फंड था उनका केवल. हाँ